मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के जरिए राज्य के विकास की रफ्तार को और तेज करने की तैयारी में है। सीएम ने दो दिनों में केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेताओं, अफसरों से मुलाकात कर अपने इरादों को भी साफ कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इसके पीछे कुछ और ही देख रही है। मोहन यादव का दिल्ली दौरा, शाह नड्डा के सामने रखा ब्यौरा, केंद्र के सहयोग से विकास होगा पूरा। प्रदेश की मुखिया मोहन यादव ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के बाद सीधे दिल्ली पहुंच गए, जहां नदी जोड़ो योजना के साथ केन बेतवा लिंक के जरिए 1150 करोड़ की राशि मंजूर कराने के साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलकर विकास की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। सीएम मोहन की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात को आगे की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, हमारे नेता कामदार होते हैं, इसीलिए सतत जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कर्मठता से लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के कार्यों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक भी करते हैं और दिल्ली जाके मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की जितनी भी मंत्रालय की योजनाएं होती हैं वहाँ पर समन्वय करते हैं, वरिष्ठ नेतृत्व से मार्गदर्शन लेते हैं और मध्य प्रदेश किस तरीके से विकसित मध्य प्रदेश बने इसके लिए सदैव चिंतनशील रहते हैं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसे अपने राज्य के विकास में केंद्र के सहयोग की हमेशा जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस सीएम के दिल्ली दौरे को अलग ही नजरिए से देख रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है कई पावर सेंटर विकसित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बीच बीच में जो है और भी कई लोगों को पीड़ा होने लगती है, कई लोग जो है खड़े हो जाते हैं, तो जो पावर सेंटर है उसको जो है स्थिर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी दिक्कत है, मध्य प्रदेश की स्थिति सुधर नहीं रही है, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर नहीं रही है, महिलाओं के उत्पीड़न की स्थिति नहीं सुधर रही, तो हर मड़िया पे जाके जो है सिर तो झुकाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का केंद्रीय नेताओं से मिलकर बात करना काम का हिस्सा होता है, लेकिन दिल्ली में पदस्थ आईएएस अफसरों के साथ डिनर करना बताता है कि सीएम प्रदेश के विकास को लेकर कितने गंभीर और सजग हैं। मध्य प्रदेश का जिम्मा संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को ये बताने का प्रयास किया है कि उनकी मंशा क्या है। उसके लिए चाहे डबल इंजन की जरूरत पड़े या फिर वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद की, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि मुख्यमंत्री के मन में सिर्फ मध्य प्रदेश है और उसके जरिए वो आगे बढ़कर एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस